जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टीशन फंक्शन। इससे पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला हमने किया था, और उसमें हमने ये पाया था कि अगर कोई हमारा सिस्टम है वो किसी सोर्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसका टेम्परेचर टी है, तो ये देखा गया कि जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, e^-ei/kt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, या pi = c(e^-ei/kt। ये हमने देखा था बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इससे पहले वाले लेक्चर में। और फिर हमने आपसे बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टीशन फंक्शन करने वाले हैं। तो पार्टीशन फंक्शन है क्या चीज, इस पर हम लोग पहले विचार करें। पार्टीशन फंक्शन क्या है बेटे, आप जब पढ़ते हो क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन पढ़ते हो आप, तो वेव फंक्शन एक्चुअल में आपको क्या देता है? वेव फंक्शन किसी वेव के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जब आप पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हो तो पार्टीशन फंक्शन भी किसी पार्टिकल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है, या कि जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन फंक्शन क्या है। आपको मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूं कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन देता है, ठीक उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन किसी सिस्टम की एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब चीजों को डिफाइन करने के काम में लाया जाता है। पार्टीशन फंक्शन एग्जैक्टली यही है कि ऐसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन है, ठीक वैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारा पार्टीशन फंक्शन है। पार्टीशन फंक्शन को और बेहतर तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या है। पार्टीशन फंक्शन क्या बताता है? इट इंडिकेट्स हाउ गैस मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर द पार्टीशन अमंग वेरियस एनर्जी लेवल। ये क्या बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऊर्जा स्तरों में या डिफरेंट एनर्जी लेवल में, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा लेवल होती है, उन ऊर्जा लेवलों के अंदर गैस मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसी बात को एक्सप्लेन करता है पार्टीशन फंक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये विभिन्न ऊर्जा स्तर, डिफरेंट या वेरियस एनर्जी लेवल क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंट या विभिन्न ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, तो जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। याद रखना बेटे, यहां पर हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ही लेंगे, या बहुत सारी बुक में केवल डायनेमिकल सिस्टम लिखी हुई होती है, कोई बात नहीं है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम या डायनेमिकल सिस्टम आप ले सकते हैं। तो ये सपोज कर लेते हैं एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एन है। यहां पर लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, हम मान लेते हैं कितना है, एन है ये। और इस सिस्टम के अंदर, या कह सकते हैं इसके फेज स्पेस में, बहुत सारे फेज सेल होंगे, तो हम उन फेज सेल को भी बना लेते हैं। बेटे मेरे पास कोई स्केल या कुछ ऐसा है नहीं सामान कि मैं यहां पर हर एक फेज सेल को सेम बनाऊं, लेकिन आप इतना तो शायद जानते ही हैं स्टैटिस्टिक पढ़ते पढ़ते कि फेज सेल, हर एक फेज सेल का वॉल्यूम जो है होता है वो सेम होता है। फेज सेल हमारा अगर थोड़ा छोटा बड़ा बनता है तो एडजस्ट कीजिएगा कि वो सब सेम है। और हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो फेज इस पे डिफरेंट फेज सेल में डिवाइड है, इस फेज सेल में कोई एक नंबर एक फेज सेल है, ये दो है, तीन है, ऐसे चलते चलते कोई आयत सेल होगा, और फिर कोई यहां पर मान लेते हैं कि के या कुछ भी ऐसे कोई सेल होगा। ये कौन सा सेल है बेटा? ये आयत सेल है,
फेज सेल लिख दूं तो ज्यादा ठीक पड़ेगा, ये फेज सेल है। हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n1 है, n2 है, n3 है, डॉट डॉट डॉट, और इस वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, ni है। इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें ni है, और इसकी जो एनर्जी है, इस वाले सेल की जो एनर्जी है वो सपोज कर लेते हैं क्या है, ei है, यानी कि एनर्जी ऑफ ith लेवल जो है वो ei है, और एनर्जी ऑफ ith सेल जो है, फेज सेल जो है वो, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith सेल जो है वो ni है। इतनी चीजें आपको अगर इस सिस्टम में समझ में आ गई हैं तो आप यस बोलो, यस बोलो, और मैं आगे बढ़ता हूं। और आगे बढ़ने पर हमें कुछ चीजें और भी यहां पर समझना होगा। इसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ले ले बेटे, तो मान सकता हूं मैं n1 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल n3 है, डॉट 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 ni है, इसमें nk है, और अगर हर एक सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल को आप ऐड करोगे तो आप क्या कर सकते हो, हर सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर आप ऐड करो तो कुछ i इज इक्वल टू ni, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल सकते हैं। भाई इस ith सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल ni है, तो ऐसे हर एक सेल को अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करना चाहेंगे तो आपको सिग्मा लगाना पड़ जाएगा। तो आपको ये चीज भी यहां पर मालूम होना चाहिए कि किसी सिस्टम के अंदर अगर हमने ith फेज सेल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ni लिया है, तो इस तरीके से पूरे सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल हम लिख सकते हैं, और ये आपको मालूम भी होना चाहिए, बहुत जनरल चीज है यहां पर। तो इतना आप पार्टीशन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। एक चीज और मैं बता दूं यहां पर, और जो बहुत कॉमन है, और इसे आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़कर आए हैं, वो भी मैं यहां पर बात कर लेता हूं। ये हम मान लेते हैं कि जो ये आई सेल है, ये हम ये मान लेते हैं कि जो ith सेल है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट एनर्जी लेवल में, और जो एनर्जी लेवल जिनका डिफरेंट एनर्जी लेवल है वो क्या है, gi है। तो हम यहां पर ये बात भी लिख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ith सेल इज फर्दर, ith सेल इज फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, और ये एनर्जी लेवल जो है हम ये मानकर चल रहे हैं वो क्या है, gi है, और इसी gi को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी gi को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं degeneracy, इसी को क्या बोलते हैं बेटे, degeneracy, और degeneracy क्या होता है, तो degeneracy होता है द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, क्या होता है, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये एनर्जी लेवल क्या होता है। यहां पर और इसमें सबकी एनर्जी ई आई है, ये हमको पता है। देखिए अब मैं आपको बता दूं डीजेनरेसी क्या है। देखो बेटे यहां पर मेरे पास जो फेज सेल है, हमने फेज सेल बनाया है, फेज स्पेस नहीं बनाया है, मान लो ये आयत वाला है, तो इसमें क्या होगा ना, भले ही एनआई मॉलिक्यूल आपने कह दिया, तो ये एनआई मॉलिक्यूल इस फेज सेल के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, लेवल्स होंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि जितने भी लेवल होंगे, एनर्जी लेवल होंगे, इसमें सबकी एनर्जी ई आई ही होगी, और किसी फेज सेल के अंदर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होते हैं, या द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो होते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं,
इसी को हम लोग डीजेनरेसी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी कहते हैं। तो हमने डीजेनरेसी भी आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं पार्टीशन फंक्शन में। पार्टीशन फंक्शन में तो वी नो फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वी नो फ्रॉम द मैक्सवेल, वी नो फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? ये लॉ Ni is equal to G upon e to the power alpha plus beta EI, ये होता है। और आपको बता दें बेटे आपकी जानकारी के लिए कि यहां पर जो GI है यही है डीजेनरेसी। जनरल मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए। और डीजेनरेसी जो होता है, डीजेनरेसी ये क्या होता है? डीजेनरेसी क्या होता है बेटे? दिस इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन अ पर्टिकुलर फेज सेल। और अगर ये फेज सेल हमने यहां पर आयथ वाला माना है तो याद रखना कि डीजेनरेसी ऑफ आयथ सेल ये हो जाएगा। और यहां पर ये जो ई आई है, ये ई आई क्या है? एनर्जी लेवल ऑफ द आयथ सेल। ये क्या है? एनर्जी ऑफ आयथ लेवल है। और बीटा क्या है बेटे? बीटा भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बीटा इज द बीटा पैरामीटर। और ये कैसा पैरामीटर है ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो बॉडी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं तो उनका 1/kBT ये फंक्शन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? बीटा। यानी कि ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज क्या होगी यहां पर? ये एन जो है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आयथ लेवल। क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आयथ लेवल। अब यहां पर एक चीजें और आपको बता दें। अल्फा क्या है? तो अल्फा एक कांस्टेंट है। यहां पर अल्फा क्या है बेटा? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल्फा क्या है यहीं पर लिख देता हूं। अल्फा क्या है तो अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है यहां पर दिख रहा है? ये सब कांस्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा यहां पर। अल्फा क्या है बेटे? एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लायर। तो अल्फा एक कांस्टेंट है जो क्या है? लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है। और इसको हमने करवाया भी है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने करवाया है। और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख भी लेंगे कि ये कैसे अल्फा होते हैं और ये अल्फा कैसे इससे मतलब एनआई से एसोसिएटेड होता है, किस तरीके से प्रूव हुआ है। तो मैं ये बता दूंगा, बताया हूं वहां पर, देख लीजिएगा। तो यहां पर हमने बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ला लिखा जो Ni is equal to GI upon e to the power alpha plus beta EI है। और जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं उस एक्सप्रेशन में आने वाले जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अगर उनकी आपको जनरल मीनिंग मालूम होती है तो फिर आप और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, चीजों को समझ जाते हैं कि कौन सा चीज क्या है। तो Ni आपको हमने बता दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आयथ लेवल है, ये डीजेनरेसी ऑफ द आयथ लेवल है या आयथ सेल है आप ऐसे कह सकते हैं। और यहां पर अल्फा जो है वो लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है जो कि एक कांस्टेंट होता है। बीटा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू 1/kBT होता है। और एक चीज और बता दूं बेटे आपको, इस पूरे डेरिवेशन में हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसकी यहां पर केवल एक सिंगल के ही लिखेंगे, के भी नहीं लिखेंगे। और ये टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है,
यहां पर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कह रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कुछ भी सिस्टम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो सब केल्विन स्केल पर चलेगा, इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा हूं यहां पर। और एनआई क्या है, तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन आयत सेल है, वो लेबल है। इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं और एनआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआई इज इक्वल टू जी आई और कितना हो जाएगा ई टू दी पावर अल्फा और इंटू ई टू दी पावर बीटा और ई आई। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि ये कैसे लिखा गया, एन आई इज इक्वल टू जी आई, देखो यहां पर प्लस है ना और ई की पावर में है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो डिग्री ऐड हो जाती है, तो इसीलिए बेस इक्वल है तो डिग्री ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ बीच में सिंबल लगाया मैंने। और एन आई इज इक्वल टू यहां पर देखें तो जी आई और यहां पर कितना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फा और ई टू दी पावर माइनस बीटा और ये हो जाएगा ई आई। बेटे यहां पर जो ई की पावर माइनस अल्फा है इसे हम एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं और ये कांस्टेंट को हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल ए है, ये क्या है कैपिटल ए है और ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लेट लेट ई टू दी पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए और अल्फा आपको पता ही है कि कांस्टेंट है जो कि लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस e टू दी पावर माइनस अल्फा की जगह पर a को पुट कर देंगे तो जी आई बनेगा बेटा और कैपिटल a बनेगा और e टू दी पावर माइनस बीटा और e आई बनेगा। और हमको पता है कि बीटा इज इक्वल टू कुछ होता है, क्या होता है बेटे के बी टी होता है और हमने आपको अभी अभी बताया कि के बी ना लिखकर हम केवल और केवल यहां पर क्या लिखेंगे के लिखेंगे और यहाँ टी, तो आप समझ जाइएगा कि बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट ही है ये, नहीं तो आप सोचें कि कोई नया कांस्टेंट आ गया है। तो एन आई इज इक्वल टू जी आई और यहां पर ए हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन कितना हो जाएगा के टी हो जाएगा, हमने ई आई की जगह पर ये वैल्यू सॉरी बीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, ये हमें एन आई की वैल्यू पता हो गई लेकिन हमें ये भी तो पता है कि एन आई में आप क्या कहते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या है, पार्टीशन फंक्शन क्या इंडिकेट करता है कि हाउ गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस एनर्जी लेवल, वेरियस एनर्जी लेवल में गैस मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भैया अगर आयत सेल में ये गैस मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे 1, 2, 3, 4 हर एक सेल में तो भी गैस मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, हर एक सेल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हम टोटल सिस्टम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखें कैसे कितने होंगे, तो इस पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमको देखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द असेंबली इन वन इन इन नहीं इज कैपिटल एन, कैपिटल एन में देखें, ठीक है पूरे असेंबली में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर नंबर एन है तो देखें कि फिर कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे सिग्मा और एन आई और आई की वैल्यू यहां से जीरो से शुरू होगी और कहां तक जाएगी ये कोई एक वैल्यू तक जाएगी, वो वैल्यू मान सकते हैं कि एन के जो भी लास्ट वैल्यू आपको मानना होगा वो आप मान लीजिएगा, या हम ऐसे कह दें कि आई की वैल्यू यहां जीरो से जाएगी और आयत तक जाएगा, आयत सेल तक जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और यहां सिग्मा का मतलब एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं कि इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेकेंड वाले सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड वाले सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और डॉट 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 एन आयथ सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन सबको सम कर ले। सिग्मा का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवरी सेल जितने भी सेल हैं सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर लें सम कर लें और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा सिस्टम के अंदर, हमने वही कुल मिला के यहां पर कंक्लूजन लिखा है। अब आप बेटे क्या करो कि एन आई की वैल्यू आपने इतना कैलकुलेट कर लिया है ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे और आई तक ले जाएंगे और एन आई की वैल्यू जी आई
और ए और e टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी हो जाएगा। और इस ए को इसके अपान में ले आओ, तो इसके अपान में लेकर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा एन अपान ए, क्या मिलेगा एन अपान ए, और सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और आई तक लेकर जाएंगे, और बेटे क्या हो जाएगा जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी, ये हो जाएगा। यहां से ये जो वैल्यू है बेटा एन बाई ए, इसी को हम लोग जेड लिखते हैं। ये बहुत सारी बुक प्रिफर करती है इसको क्यू से, आपकी जो मर्जी वो लिख लीजिएगा। हम यहां पर अब जितना भी जगह पर ये लिखना होगा कि एन बाई ए का रेशियो क्या है, तो हम यहां पर जेड से लिखेंगे। दिस कॉन्स्टेंट जेड इज कॉल्ड पार्टीशन, बोल्ट्समैन पार्टीशन फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, बोल्ट्समैन पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं बोल्ट्समैन पार्टीशन फंक्शन, आर सिंपली कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन, केवल पार्टीशन फंक्शन भी कह देते हैं कभी कभी, पार्टीशन फंक्शन। और अब ये जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, सिग्मा आई इक्वल टू 0 से आई तक जाएगा, और जी आई और ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी, यहां मुझे पार्टीशन फंक्शन मिल गया। पार्टीशन फंक्शन आपको ये मिल गया जो क्या होगा जेड इज इक्वल टू, हाँ ठीक, जी आई ई टू दी पावर माइनस के टी, ये हो गया। ठीक बेटा, ठीक है, तो ये पार्टीशन फंक्शन हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, और उस इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।